भोजपुर एसपी चंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत एनडीपीएस कांड में संलिप्त एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। साथ ही आरा नगर थाना अंतर्गत लूट के कांड का भी खुलासा किया और अभियुक्त जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में बताया। पहले एक केस है जो मुफस्सिल थाने में हुआ था एनडीपीएस का, धारा 20, 27 और 29 के तहत 23 जनवरी 2023 को केस किया गया था, जिसमें दो हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया था और 43,000 रुपये नकद और 50 ग्राम हीरोइन उनसे जब्त किया गया था। तो उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया था कि एक रंजन उर्फ रंजय पासवान, पिता अशोक पासवान जो गौसगंज के रहने वाले हैं, उनसे इन लोगों ने हीरोइन खरीदा था। तो उनको अभी हम लोगों का जो एसपी सर के निर्देश में एक टीम गठित किया गया था, उन्होंने उसको पकड़ा है और उसको जो है अभी आगे जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है। उससे उसके पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और उसको अभी आज जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जाएगा। दूसरा मैटर है कि नगर थाने में 22 नवंबर 2022 को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 40,000 रुपया एक बक्सर जा रहे व्यक्ति से छीन लिया गया था। तो उस केस में जो है एक व्यक्ति जिनका प्राथमिकी में ही नाम आया था, उनका नाम है विक्की गिरी, पिता मुन्ना गिरी और बड़की सिंघी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करके अभी जो है अग्रसर कार्रवाई हेतु न्यायालय में आगे भेजा जा रहा है। तो इनके काफ़ी ये पहले से पूर्व से काफ़ी इन पे केस रहे हैं, 20, 21, 22 के केसेस है जो आपसे शेयर किया जाएगा, और लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्साइज एक्ट प्रोहिबिशन सब किस्म के केस हैं इनके ऊपर। दो व्यक्ति पहले ही भेजे जा चुके थे और एक बाइक भी उस समय जब्त हुआ था, बाइक एक गाड़ी मोटरसाइकिल फोर व्हीलर जब्त हुआ था मोटरसाइकिल, तो उस फोर व्हीलर के मालिक को भी भेजा गया है पहले ही। ये एक आखिरी बचे हुए थे और इनके भी अभी इनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, अगर किसी और का भी नाम आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बरामद नहीं हुई इसकी गिरफ्तारी यहीं संकट मोचन मंदिर के पास से यहीं पर हुई है। और कुछ पूछना चाहते हैं वो दूसरा वाला जो मैटर है उसमें।